उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में सर सैयद अहमद डे पर सर बिलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाक बंगला में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अब्दुल समद एसोसिएट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहे। उन्होंने सैयद अहमद के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर देश और दुनिया में अलख जगाने वाले सर सैयद अहमद, उनकी बनाई गई शिक्षा तहरीर और आगे बढ़ाने की कोशिशों को जारी रखा जाए। कार्यक्रम में शिक्षाविद और साहित्यकार मौजूद रहे। इंटरनेशनल शायर हाशिम फिरोजाबादी ने भी इस मौके पर भी शायराना अंदाज में बच्चों को पढ़ाने की अपील की। सर बिलाल स्कूल के डायरेक्टर कामरान खान ने सभी मेहमानों का मोमेंटो देकर सम्मान किया। 17 अक्टूबर है आज, यानी कि सर सैयद अहमद खान साहब की पैदाइश, और ये उस अजीम शख्सियत की पैदाइश थी जिसने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और उस दुल्हन की खूबसूरत दो आंखें हैं, एक हिंदू है तो एक मुसलमान। यकीनन एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे मुल्क को तालीम दी, जिसने मुल्क को कहा आइए इल्म हासिल करो, आओ तरक्की करो, और तरक्की करने के इल्म बहुत लाजमी है। उसके साथ साथ मैंने अर्ज किया कि वो कॉल जिसने कहा कि हिंदुस्तान की एक खूबसूरत दुल्हन और उसकी खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हिंदू मुस्लिम, इट मीन्स के उस शख्सियत ने 100 बरस पहले ये मैसेज दिया हमको आफ्टर यूनिवर्सिटी इससे बनाने से कबल के इस मुल्क की खूबसूरत जो है खूबसूरती जो है वो हिंदू और मुसलमानों से है। यानी कि इस मुल्क को यूनाइट रहना चाहिए, इस मुल्क को एक साथ रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया और यकीनन इससे आप देखें, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में खुश नसीब हूँ, मैं उसी यूनिवर्सिटी के इदारा हूँ और उस इदारे के में जो सरसे डे होता है उसके जगह जगह पूरे मुल्क में और दुनिया के बाहर तमाम सरसे डे सेलिब्रेट होते हैं। फिरोजाबाद में जो जिस काम को सर बिलाल कॉन्वेंट स्कूल अंजाम देता है उसके हमारे ऑनर हैं कामरान भाई, अरशद भाई, जो इस काम को अंजाम दे, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन उन्होंने आज बहुत ही मोतबर शख्सियत अब्दुल समद साहब को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से यहाँ पर एज ए गेस्ट बुलाया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कामरान सर को, आपने इतनी बड़ी शख्सियत को यहाँ बुलाकर फिरोजाबाद के लोगों को सरफराज किया, और आप सबको मुबारकबाद, आपने अपनी कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। और कामरान सर ने जो पहल की है, जो छोटे छोटे इदारे जगह जगह चल रहे हैं उनको नवाजा है। यकीनन कभी सबा बलरामपुर ने कहा था कि पुरमन जिंदगी की हिमायत किया करो, नफरत बुरी बलाया मोहब्बत किया करो। एक बात आज तुमको बताती हूँ काम की, इज्जत जो चाहते हो तो इज्जत किया करो। इन्होंने जो इज्जत दी है छोटे छोटे इदारों को, वो इदारे इनको इज्जत देंगे, शहर इनको इज्जत देगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए सर सैयद अहमद ख़ान का यौम पैदाइश 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये अलीगढ़ के साथ साथ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर दूसरे ममालिक जहाँ पर भी अलीगढ़ियन बैठे हुए हैं वो इसको मनाते हैं। और इसका खुला मैसेज ये है कि जिस तरह से सर सैयद ने अपनी कुर्बानियाँ दी तालीम के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हिंदुस्तान के अंदर हर जगह कायम किए जाएँ, हर कौम के अंदर किए जाएँ, और जिससे मुल्क के अंदर मॉडर्न एजुकेशन के अंदर एक तालीमी इनकलाब आ सके। और सर सैयद की नज़र में कौम का मतलब पूरी सोसाइटी से था जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेके चले थे। लिहाजा कामरान साहब ने जो यहाँ पर स्कूल कायम कर रखा है सर बिलाल कॉन्वेंट के नाम से, ये बहुत ही अच्छा कदम है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के सिलसिले में। और सर सैयद का जो मैसेज है ये उसके एक अमली निशानी है।